रेसिपी नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा। इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे अगर हम नॉर्मल पिज्ज़ा बनाएं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मैं ब्रेड पिज्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आप काफ़ी सारा ब्रेड पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। और बच्चों को तो ये रेसिपी काफ़ी पसंद आती है। ये काफ़ी चीज़ी एंड काफ़ी इजीली बन जाने वाली डिश है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और यहाँ पे हमने लिया है चीज़, मोज़रेला चीज़। ये करीब 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, ये 25 ग्राम है यानी 2 बड़े टेबलस्पून के हिसाब से है। 2 बड़ा चम्मच प्याज है कटा हुआ और ऑलिव है 5, जिनको मैंने काट लिया था। सब्जियों को आप छोटा छोटा ही काटें और आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। और यहाँ पे हम लेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और पैप्रिका। इससे हम अपना इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केचप में पैप्रिका और पिज़्ज़ा सीजनिंग को डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब हम इसे साइड रख देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस को ले लिया है और उसमें हम ये अपनी पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से आप अपने सारे ब्रेड में स्प्रेड कर दें पिज़्ज़ा सॉस को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। यहाँ पे मैंने अमूल चीज़ का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी ब्रांड की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपको जितना चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद है आप उतना ही चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे हमारी टॉपिंग्स ऐड करूँगी। तो इसी तरह से आप अपनी टॉपिंग्स को ऐड कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिंग्स ऐड कर लिए हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी और चीज़ डाल दूँगी ऊपर से। ध्यान रहे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आपको थोड़ा सा चीज़ डालना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दूँगी, यानी कि एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं छिड़कना है हमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रेड कर दूँगी। सीजनिंग छिड़कने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पैप्रिका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे ब्रेड स्लाइसेस को रेडी कर लिया है। अब हम एक तवे में 1 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए आपको फ्लेम को लो रखना है और बटर को आपको बस मेल्ट करना है और थोड़ा सा फैला ले। बटर को आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है, इसे बस हल्का सा मेल्ट कर ले। उसके बाद हम अपने ब्रेड स्लाइसेस को इसमें रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड स्लाइसेस को तवे में डाल दिया है। तवे में ब्रेड स्लाइसेस डालने के बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएं। ध्यान रखना है आपको कि फ्लेम बिल्कुल लो रहे, नहीं तो हमारा ब्रेड जल सकता है और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 5 मिनट बाद इसकी चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अगर आप का चीज़ पहले मेल्ट हो गया तो आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ 5 मिनट लगे हैं। तो हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। मैं अब इसे तवे में से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। वो भी हमने 10 मिनट के अंदर ही इसे बना लिया है। काफ़ी टेम्पटिंग सा पिज़्ज़ा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ।